तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्नेक किंग साशिन को बता रहा था कि कभी व्हाइट स्कल ड्रैगन और ग्रेडी वुल्फ क्लैन के लीडर भी आपस में दोस्त हुआ करते थे। मगर जब व्हाइट स्कल ड्रैगन को ग्रेडी वुल्फ क्लैन की सख्त जरूरत थी, तभी ग्रेडी वुल्फ क्लैन के लीडर ने व्हाइट स्कल ड्रैगन को धोखा दे दिया, जिसकी वजह से हमें उसके पूरे क्लैन को ही खत्म करना पड़ा। ये अच्छा है कि तुम एक इंसान और अभी तक शायद तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया है, इसलिए तो तुम एक इंसान होते हुए उस आउटर रिलम के क्रिएचर के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हो। मगर याद रखना, जब ग्रेडी वुल्फ क्लैन के लोग हमारे रिलम के होते हुए भी हमारे नहीं हुए तो फिर तुम्हारे क्या ही होंगे। देखना मौका मिलते ही वो थर्ड एवल के बच्चे कैसे तुम्हें और तुम्हारे अपनों को खत्म करते हैं। और फिर इसने किंग कहता है कि ओ सॉरी, तुम देखो कैसे तुम तो आज खुद ही मेरे हाथों मरने वाले हो। जिस पर अब साशिन कहता है कि तुम्हारा हो गया या फिर और भी कुछ बोलना बाकी है, क्योंकि अगर एक बार मैच शुरू हो गया तो फिर तुम दोबारा बोलने के लायक नहीं बचोगे। तब स्नेक किंग अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि एरोगेंट बास्टर्ड, आज तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं लौट पाओगे। और ये कि अगर स्नेक किंग अब अपने सारे पॉइजन को सीधे साशिन के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है, जिस पर साशिन बड़े आराम से इसके अटैक को देखते हुए कहता है कि क्या इसके पास सिर्फ यही अटैक है, ये पॉइजनस वाला मुझे नहीं लगता इन्फेक्ट कर पाएगा। मगर तभी साशिन को कुछ बहुत ही अजीब फील होता है और फिर वो खुद से कहता है कि अचानक से मैं अपने बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। तब साशिन अब धीरे धीरे अपने हाथों की ओर देखता है, जहाँ भी से पता चलता है कि स्नेक किंग का पॉइजन तो ऑलरेडी इसके बॉडी में एंटर कर चुका है, जिसकी वजह से साशिन की बॉडी अब धीरे धीरे पैरालाइज होनी शुरू हो गई है। तब साशिन अब खुद से कहता है कि मुझे इसी पावर को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इतना कहते ही साशिन अब अपने माइंड को सीनेस के अंदर चला आता है, जहाँ पर साशिन की बॉडी में मौजूद स्कोर्चिंग सन ऑलरेडी इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर चुका था। इस बॉडी में साशिन का हार्ट भी इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इस पॉइजन की थोड़ी सी भी मात्रा को अपने अंदर इन्फेक्ट नहीं होने देता है। और अब यही सब फील करते हुए साशिन कहता है कि मेरी बॉडी तो इस पॉइजन से बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर रही है, जिस पर अब साशिन का स्कोर्चिंग सन बाहर की ओर अपेयर हो जाता है। इसके साथ ही साशिन का फायर और उसके बॉडी के चारों तरफ फैल जाता है, जिस पर अब साशिन की बॉडी से उसका हार्ट इतना पावरफुल फायर रेज को रिलीज करता है, जो देखते ही देखते स्नेक किंग के पॉइजन को साशिन की बॉडी से पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। तब ये सब देख के साशिन कहता है कि वो तो ये सब मेरे स्कोर्चिंग सन का कमाल है, जिसने की मोटर रिलम के पॉइजनस बीस्ट के अटैक को भी बहुत ही आसानी से झेल लिया। और अब इससे पहले कि साशिन कुछ कर पाता, ये स्नेक किंग बहुत ही फास्टली अपना मुंह खोलते हुए साशिन की ओर बढ़ जाता है, जिसके बाद ये स्नेक किंग साशिन को निगलते हुए कहता है कि बस इतना ही तो काम था, मैंने ना जाने कितने पावरफुल बीस्टों को निगला है, तो फिर ये मामूली सा इंसान क्या ही था। जिस पर तभी ये स्नेक चिल्लाते हुए कहता है कि अरे नहीं, ये मेरे दांत को उखाड़ रहा है। और ये कहकर ये स्नेक किंग साशिन को तुरंत ही अपने मुंह से बाहर निकाल देता है, जिसमें साशिन के साथ साथ उसका टूटा हुआ एक दांत भी बाहर आ जाता है। तब ये देखकर साशिन अब इसके फूल मजे लेते हुए कहता है कि क्या वो स्नेक किंग, तुम्हारा ये दांत कैसे टूटा। जिस पर स्नेक किंग कहता है कि इंसान, मैंने तुम्हारी पावर को अंडरएस्टिमेट किया, तुम अगर एक इंसान होके भी मुझे इंजर्ड कर सकते हो, इसका मतलब तुमने भी इमॉर्टल रियलम को अचीव कर लिया है। और अगर एक इंसान होके तुम इमॉर्टल रियलम को अचीव कर सकते हो, इसका मतलब तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, लेकिन मैं भी मोस्ट पावरफुल जनरल में से एक स्नेक किंग हूं, तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। और ये कि अगर स्नेक किंग अब अपने साइज को छोटा करते हुए यहाँ पे किसी टाइप की ऑरा को फैलाने लगता है, जिसे देखते हुए साशिन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारी शक्तियों को देख के भाग जाऊंगा। तब स्नेक किंग कहता है कि अरे नहीं, ये तो मेरी स्पेशल टेक्निक है, जिसकी वजह से तुम यहाँ से ना तो भाग पाओगे और ना ही मेरे अगले मूव को समझ पाओगे। वैसे भी अब मेरे ऑरा को फील करते हुए बाकी की जनरल भी कुछ ही देर में आते होंगे, जिसके बाद भले ही तुम कितने ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हमारे सामने नहीं टिक पाओगे। जिस पर साशिन कहता है कि स्नेक किंग, मैं तो बस तुमसे तब से खेल रहा था, लेकिन अब फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के सामने अपनी औकात से भी ज्यादा बोल चुके हो, इसलिए अब मेरे आखिरी शब्द जो कि तुम्हारे लिए है वो ये है कि तुम्हारे सारे जनरल और वो व्हाइट स्कल ड्रैगन इस लायक नहीं है कि वो सर्वशक्तिमान फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को डिफीट कर सके। तब ये सुनिए स्नेक किंग बहुत ही हंसते हुए कहता है कि बास्टर्ड, क्या तुमने अभी जो कहा उसके लिए वर्दी हो, हमारे ड्रैगन लॉर्ड से भिड़ना तो दूर, पहले तुम मुझसे ही निपट के दिखाओ। जिस पर साशिन कहता है कि तुमसे क्या निपटना है, तुम तो ऑलरेडी मारे जा चुके हो, बस हेल के जल्लाद मेरे कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं। तब ये स्नेक किंग बहुत ही गुस्से में कहता है कि एरोगेंट बास्टर्ड, हेल में तो मैं तुम्हें भेजूंगा। और ये कहकर ये स्नेक किंग बहुत ही फास्टली अपने अटैक के साथ साशिन की ओर बढ़ता है और वही अपना घिसा पिटा पॉइजन अटैक साशिन के ऊपर फिर से करता है, जिस पर साशिन अपने स्कोर्चिंग सन पावर का यूज करते हुए इस अटैक को भी बस एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ये स्नेक किंग अब सामने से गायब होते हुए साशिन के पीछे चला जाता है और जाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इतना स्टूपिड हूं कि तुम्हारे इसी अटैक में फिर से फंस जाऊंगा। जिसके बाद ये स्नेक किंग फिर से साशिन की ओर बढ़ जाता है, मगर जैसे ये साशिन के आर पार होता है तो हमें पता चलता है कि साशिन तो पहले ही यहाँ से डिसअपीयर हो चुका है। तब ये स्नेक किंग बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि आखिर इंसान मुझसे भी ज्यादा फास्ट कैसे है। जिस पर साशिन ऊपर से कहता है कि ये तुम हेल में बैठ के आराम से सोच लेना। तब ऊपर की ओर हम देखते हैं कि साशिन एक बहुत ही शानदार किक के साथ इसी की ओर बढ़ रहा होता है और इस शानदार किक को साशिन बहुत ही फास्टली सीधे स्नेक किंग के फन में मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आसपास चारों तरफ धुआं धुआं ही हो जाता है। मगर इससे भी साशिन का मन नहीं भरता और साशिन अब हेवनली डेजर्ट फिस्ट के नए फॉर्म को क्रिएट करने लगता है।
लगता है, जिसके क्रिएट होते ही साओशन इस पावरफुल पंच को भी सीधे इसके फन में ही मार देता है। तब इस पंच के इम्पैक्ट से यहाँ का पूरा एरिया ही हिल जाता है। यहाँ पे इतनी जोरदार एनर्जी रिलीज होती है कि स्नेक किंग के द्वारा क्रिएट किए हुए सारे स्पेल और बैरियर ब्रेक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अब साओशन के हेवली डैश फिस्ट की पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी कि इस प्लेस के 500 मीटर के दायरे तक सारे बेस्टीज की चपेट में आके खत्म हो जाते हैं। जिस पर अब सब कुछ शांत होने के बाद हम देखते हैं कि साओशन के सामने ये स्नेक किंग बिल्कुल फटा पड़ा था और सोचते हुए अब खुद से बस यही कह रहा था कि हमने भी सोचा था ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन अब डर लग रहा है कि इंसान की शक्ल में सामने खड़ा हैवान मेरे साथ कुछ और ना कर दे। जिस पर अब साओशन कह रहा है कि क्या वो स्नेक किंग, तुम तो बहुत ही जल्दी लेट गए, भला एक टॉफी जनरल होके तुम मेरे एक ही पंच में सिमट गए, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। तब ये स्नेक किंग कहता है कि कैसे, आखिर तुम मुझे कैसे डिफीट कर सकते हो, तुम्हारी लेवल ज्यादा से ज्यादा इमोर्टल रियल के 5वें लेवल पे होगी जो कि मुझसे कम ही है, फिर भी तुमने मुझे डिफीट कैसे कर दिया। जिस पर साओशन अपने हाथ को ऊपर करके एक और पंच को क्रिएट करते हुए कहता है कि पगले, मैंने कहा तो मैं फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हूँ, इस पूरे वर्ल्ड का वन एंड ओनली मोस्ट पावरफुल फिजिकल सुप्रीम, जिसे आज तक ना तो कोई डिफीट कर पाए और ना ही कोई कर पाएगा, मेरी शक्तियाँ तुम कीड़ों के सोच से भी परे है। और इसी डायलॉग के साथ साओशन इस पंच को भी इसके ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इस बार तो इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि स्नेक किंग का सर ही गायब हो जाता है। तब साओशन अब बैठते हुए कहता है कि चलो ये खत्म हुआ, भले ही मुझे इसे डिफीट करने में कुछ खास परेशानी तो नहीं आई, लेकिन अगर मेरे पास स्कोर्चिंग सन ना होता तो शायद मैं इसके पॉइजन से इन्फेक्ट हो चुका होता। वाकई में ये जनरल से नॉर्मल कल्टीवेटर्स को मौत की नींद बहुत ही आसानी से सुला सकते हैं। और अब साओशन स्नेक किंग के बचे हुए बॉडी को उठा लेता है और उठाते हुए कहता है कि चलो मैं इसे ब्लैक ही को दे दूंगा, उसे इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जिसके बाद साओशन इस बॉडी को लेके यहाँ से जाने लगता है। तब कुछ ही देर बाद हम इसी प्लेस में स्नेक किंग को देखते हैं जो अपने बहुत ही छोटे फॉर्म में था। यह अब साओशन की ओर देखते हुए कहता है कि मैंने कभी यह सोचा नहीं था कि मैं अपने इस आखिरी रिकार्सन टेक्निक को एक इंसान के खिलाफ यूज करूंगा, मगर अच्छी बात यह है कि इसके बिना पता चले मैं दोबारा से रिकार्नेट हो गया। और फिर यह स्नेक किंग साओशन यहाँ से जाते ही अपने बिल से बाहर आता है और फिर खुद से कहता है कि अब मुझे जितनी जल्दी हो सके सारे जनरल से पास वापिस लौटना होगा, यह कभी ना कोई इंसान नहीं बल्कि एक जल्लाद है, पता नहीं इसने रेड आर्मर किंग को कितने बहरहमी से मारा होगा। जिस पर अब स्नेक किंग ये सब सोच ही रहा होता है तभी इसे साओशन की आवाज सुनाई देती है जो स्नेक किंग से कहता है कि पगले, भला कोई आज तक अपनी मौत से बच पाया है, मर के जिंदा होने की इन टेक्निक्स में अभी तो तुम मेरे सामने बच्चे हो। तब इतना सुंदर स्नेक किंग के फट के 64 नहीं बल्कि 14 हो जाता है। जिस पर अब हम देखते हैं कि स्नेक किंग किसी बिल में नहीं बल्कि साओशन के सामने ही रिकार्नेट हुआ था, मगर साओशन का इल्यूजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि स्नेक किंग इसे भांप ही नहीं पाया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।